हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.6 कराएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला है जो मैंने बता चुका हूं, फॉर्मूला है एक, ठीक है। इसमें बस एक फॉर्मूला यूज होगा, बाकी कुछ नहीं है पूरी एक्सरसाइज में। जैसे करते हैं, इफ़ पहला क्वेश्चन क्या, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन एक्स इज इक्वल टू 17, लिख देते हैं एन एक्स इज इक्वल टू 17, मतलब समझ गए, एन एक्स का मतलब हो गया एक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 17। दो सेट हैं हमारे पास, एक्स एंड वाई, तो एक्स सेट में एलिमेंट कितने हैं, 17। एन वाई, एन वाई का मतलब क्या हो गया कि वाई सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 23। एन एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या है कि x यूनियन y में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 38। और निकालना क्या है हमें, n x इंटरसेक्शन y, ठीक है, यही तो निकालना है। तो यही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो एक फॉर्मूला होता है x यूनियन y, n x यूनियन y इज इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ध्यान रखना है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, एक्स यूनियन वाई कितना है हमारे पास, 38 इज इक्वल्स टू एन एक्स कितना है, 17, एन वाई कितना है, 23, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें फाइंड करना है, ठीक। तो 38 इज इक्वल्स टू 17 और 23 कितने होगा आपके, 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हम इधर ले आते हैं इज इक्वल्स टू 40, और ये 38 इधर लेके जाएंगे तो माइनस 38, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है, बात समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट, इसमें भी कौन से दो सेट हैं, एक्स एंड y, ठीक, सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट। तो x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स हैं, 18, तो ऐसे लिखते हैं एन एक्स यूनियन y इज इक्वल टू 18, क्लियर। x हैज 8 एलिमेंट्स, इसका मतलब हो गया एन एक्स इज इक्वल टू 8, एंड y हैज 15 एलिमेंट्स, एन y इज इक्वल टू 15, क्लियर। निकालना क्या है, हाउ मैनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हमें निकालना है। अभी फॉर्मूला बता चुका हूँ, फॉर्मूला क्या है, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही तो है। तो एक्स यूनियन वाई कितना है हमारे पास, 18, एन एक्स कितना है 8, एन वाई कितना है हमारे पास 15, माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें फाइंड करना है, क्लियर। तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू 15 और 8 कितने होगा, 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इधर ले आते हैं, 20 इज इक्वल टू 23, 18 इधर चला आएगा माइनस का 18, तो ये आपका हो गया एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 5। बताओ समझ में आ गया कैसे करना है, बस क्या करना है हमें, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसमें दो सेट थे ना एक्स और वाई, इसलिए एक्स और वाई लिया है इसमें, है ना, अगर कुछ और होता तो कुछ और ले लेते, ठीक। तो ये ध्यान से नोट कर लो इसको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, किस 400 पीपल का एक ग्रुप है, ठीक है, तो टोटल पीपल्स कितने हैं 400, 250 कैन स्पीक हिंदी, उसमें से हिंदी कितने लोग बोलते हैं 250, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं 200, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। तो ये बहुत सिखा दिया है मैंने कि सभी चीज़ किस में आती है, यूनियन में,
सभी चीज़ें, सभी एलिमेंट्स कितने आते हैं, यूनियन में, और कॉमन किस में आते हैं, इंटरसेक्शन में। तो देखो सभी कितने लोग हैं, 400, टोटल लोग कितने हैं 400, इसका मतलब है एन। अच्छा हिंदी और इंग्लिश है तो हिंदी का तो एच ले लो, यूनियन इंग्लिश का ई ले लो, ठीक है ऐसे ले लेते हैं। इज इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने 400, एन एच दे रखा है इन्होंने 250, एन ई दे रखा है इन्होंने 200, और निकालना क्या है एन एच इंटरसेक्शन ई, है ना, मतलब जो दोनों बोलते हों हिंदी और इंग्लिश, तो कॉमन ही तो है, ठीक है ना। ऐसे कितने लोग ऐसे होंगे कॉमन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे, वो क्या हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब फॉर्मूला एन एच यूनियन ई इज इक्वल्स टू एन एच, वही फॉर्मूला है, प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, कितना है ये 400 है, ये 250, 200, एन एच इंटरसेक्शन हमें ई निकालना है, ठीक है। तो 400, 250 प्लस 200 कितने हो गए 450, माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो ये एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू 450 माइनस 400, एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 50 हमारा आंसर। क्लियर है बात, समझ में आ गया। इसी तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ एस एंड टी, अब इसमें दो साइड कौन कौन से हैं, एस एंड टी, ठीक, सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, तो इन्होंने तो साफ साफ दे रखा है, तो एन एस इज इक्वल्स टू 21, टी हैज 32 एलिमेंट्स, मीन्स एन टी इज इक्वल्स टू 32, ओके। एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स, मतलब एन एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू 11। हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी हैव, तो कितने एलिमेंट्स होंगे एस यूनियन टी में, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, क्या है एन एस यूनियन टी इज इक्वल्स टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी, क्लियर है, ठीक। एस यूनियन टी हमें ये निकालना है, ठीक है। एन एस कितना है 21, एन टी कितना है 32, एन एस इंटरसेक्शन टी कितना है 11, एन एस यूनियन टी इज इक्वल, अच्छा 21 और 32 कितने हो गए बेटा 53 है ना, कितने हो गए 53, और 53 और कितने हो गए ये एन एस इंटरसेक्शन टी, चल क्यों ना एन एस यूनियन टी इज इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी, फॉर्मूला हो गया हमारा ये। तो एन एस यूनियन टी कितना है हमारे पास निकालना है, ये हमें निकालना है। एन एस कितना है 21, एन टी कितना है 32, एन एस इंटरसेक्शन टी कितना है 11, एन एस यूनियन टी इज इक्वल टू कितने हो गया ये 32 और 21 कितने हो गया 53 माइनस 11, एन एस यूनियन टी इज इक्वल टू 53 माइनस 11 कितने हो गए 42, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया बात, ओके कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, ठीक है, such that x has 40 elements, means n x is equals to 40, x union y has 60 elements, means x n x union y is equals to 60, okay, and x intersection y is equals to 10 elements, iska matlab hua n x intersection y is equals to 10, how many elements does y have, iska matlab kya pucha hai isne एन वाई, है ना, वाई कितने एलिमेंट्स होंगे, क्लियर। फॉर्मूला हम जानते ही हैं, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यूनियन वाई कितना, एक्स यूनियन वाई कितना है 60,
एन एक्स कितना है 40, एन वाई हमें निकालना है, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 10, 60 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10 कितने होगा 30 प्लस एन वाई, और 30 इधर चले जाएगा तो 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू एन वाई, और एन वाई इज इक्वल्स टू 60 में से 30 गए 30, मतलब वाई में कितने एलिमेंट्स हैं 30 एलिमेंट्स होंगे। ठीक, सिक्स देखते हैं, सिक्स क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, अभी बताया था ग्रुप है कितने लोगों का, ग्रुप है 70 लोगों का, तो इसका मतलब हो गया, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, 37 लाइक कॉफ़ी, उसमें से 37 37 क्या लाइक करते हैं कॉफ़ी को, 52 लाइक टी, 52 क्या लाइक करते हैं टी, ठीक है, एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू एलिमेंट्स, ठीक है, और ये कह रहा है कि कम से कम हर एक पर्सन कम से कम एक तो लाइक करता ही करता है, चाहे वो टी को लाइक करे या फिर कॉफ़ी को लाइक करे। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो कॉफ़ी और टी दोनों को लाइक करते होंगे, समझ गए होगे क्या क्या है, ग्रुप ऑफ 70 पीपल, कुल लोग कितने हैं 70, तो इसका मतलब है एन एक्स, अच्छा इसमें क्या क्या कॉफ़ी और टी तो है, तो कॉफ़ी का तो सी ले लो, यूनियन टी का टी ले लो, ठीक इज इक्वल्स टू 70, 37 लाइक कॉफ़ी मतलब एन सी इज इक्वल्स टू 37, 52 लाइक टी एन टी इज इक्वल्स टू 52, निकालना क्या है कि हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, इसका मतलब है एन सी इंटरसेक्शन टी, ये तो निकालना है, ठीक है, देखो अब फॉर्मूला तो जानते ही हो, बस फॉर्मूला यूज़ करना है और कुछ नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है बस, बाकी तो कर ही लोगे, ठीक। कितना कितना हो रहा है पता ही है तुम्हें, ठीक है, एन सी इंटरसेक्शन टी इधर ले आए, 89 माइनस 70 तो एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 19 हमारा आंसर, तो इसका मतलब है कि 19 पर्सन ऐसे हैं, 19 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 लोगों का एक ग्रुप है, 40 लाइक क्रिकेट, उसमें से 40 लोग क्रिकेट लाइक करते हैं, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 लोग ऐसे भी हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, अब ये बताना है कि कितने लोग केवल और केवल टेनिस लाइक करते हैं क्रिकेट नहीं, और दूसरा भी पूछा उन्होंने हाउ मैनी लाइक टेनिस, और कितने लोग टेनिस लाइक करते हैं, देखो इसका मतलब और इसका मतलब बहुत अलग है, इसका मतलब है कि कितने लोग ऐसे हैं जो टेनिस ही लाइक करते हैं क्रिकेट नहीं, और इसमें केवल इसमें क्या आएगा हाउ मैनी लाइक टेनिस में, इसमें टेनिस भी वो लाइक करते हो या क्रिकेट भी लाइक करते हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये बताना है कि टेनिस को लाइक कितने करते हैं, ठीक है, लेकिन इस वाले में ऐसे लोग बताने हैं जो केवल टेनिस लाइक करते हैं क्रिकेट को नहीं, ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे, देखो इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, अच्छा इसमें कौन कौन है क्रिकेट और टेनिस है, तो क्रिकेट का तो सी ले लो सी, और टेनिस का टी, और ग्रुप है तो इसका मतलब यूनियन एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू 65, 40 लाइक क्रिकेट मतलब एन सी इज इक्वल टू 40, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस इसका मतलब हो गया एन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 10, ठीक, अब हमें क्या निकालना है, देखो हाउ मैनी, अच्छा पहले हम टेनिस निकाल ले रहे हैं कितने टेनिस लाइक करते हैं, ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला लगा लो एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, तो सी यूनियन टी कितना हो गया 65, एन सी 40, एन टी हमें निकालना है, ये क्वेश्चन पहले ही आला निकालना है सॉल्व कर रहे हैं हाउ मेनी लाइक टेनिस, ठीक है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी कितना है 10, 65, 40 माइनस 10 30 प्लस एन टी
65 माइनस 30 इज इक्वल टू एन टी एंड एन टी इज इक्वल टू 35, मतलब 35 ऐसे हैं जो टेनिस को लाइक करते हैं। अब निकालेंगे हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, मतलब केवल और केवल टेनिस ही लाइक करते हों, वो क्रिकेट लाइक नहीं करते हों, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, एन सी एन टी माइनस सी, समझ गए, तो टेनिस ही लाइक करते हों क्रिकेट नहीं, तो टीम टेनिस में से क्रिकेट हम क्या कर देंगे माइनस, तो इसका फॉर्मूला होता है एन टी माइनस सी का, एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, या टी इंटरसेक्शन सी एक ही बात होती है, ठीक है, समझ गए। और अगर क्या निकालना होता, अगर निकालना होता यहाँ पर क्रिकेट होता और यहाँ पर टेनिस होता तो क्या हो जाता सी माइनस टी, क्या हो जाता सी माइनस टी, और यहाँ पर क्या हो जाता सी, क्लियर, तो निकाल लेते हैं एन टी माइनस सी, इसका मतलब यही है कि टेनिस को लाइक करते हैं क्रिकेट को नहीं, ठीक, तो एन टी कितना है हमारे पास 35, सी इंटरसेक्शन टी कितना है हमारे पास कहाँ गया 10, एन टी माइनस सी इज इक्वल टू 25, हमारा क्या हो गया आंसर। जैसे मान लो चार लोग हैं, एक ये है एक ये है एक ये है ये, ठीक है, ये तो केवल टेनिस को लाइक करता है, ये क्रिकेट को लाइक करता है ओनली ओनली, और ये टेनिस और क्रिकेट क्रिकेट दोनों को लाइक करता है, ठीक है, और ये भी टेनिस एंड क्रिकेट, ठीक है, तो हमें ये बताना था कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, अच्छा इसमें ये कहता था हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो टेनिस कितने लाइक करते हैं, क्या हो गया, क्या एक दो तीन, तो टेनिस को कितने लाइक कर रहे हैं 1 2 3, यही तो लाइक कर रहे हैं, तो टेनिस को लाइक करने वाले कितने हो गए 3, और अगर वो पूछ ले हाउ मेनी लाइक टेनिस एंड नॉनली एंड नॉट क्रिकेट, मतलब टेनिस को केवल टेनिस को लाइक करे क्रिकेट को नहीं, ऐसे कौन कौन है, देखो ये टेनिस को लाइक कर रहा है केवल एक ही है बस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें तो देखो टेनिस और क्रिकेट दोनों है ना, इसलिए ये नहीं गिनेंगे इसमें, ठीक है, इसमें कह रहा है कि टेनिस को ही केवल लाइक करे वो, तो ये आएगा टेनिस को लाइक करने वाला, समझ गया, तो अंतर समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है, तो कर लो इसको, ठीक, एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम, एट्थ क्वेश्चन क्या है, इन अ कमेटी, एक कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं 50, तो लिख देते हैं हाथ के हाथ फ्रेंच का एफ ले लेते हैं, एन एफ इज इक्वल्स टू 50, 20 स्पीक स्पेनिश, मतलब स्पेनिश का एस ले लो तो एन एस इज इक्वल्स टू 20, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, मतलब एन F intersection S is equals to 10. How many speak at least one of these two languages? तो बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो इन दोनों में से कम एक लैंग्वेज यूज बोलते हों, तो N F union S, यही तो होता है यूनियन में, तो होता है कम से कम एक में तो हो वो, ठीक है ना, यूनियन में क्या होता है कि कम से कम एक सेट में तो वो हो, ठीक, आंसर आ जाएगा, तो फॉर्मूला जानते ही हो, एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस, तो एन एफ यूनियन एस आपको निकालना है, एन एफ आ गया आपका 50, एन एस आ गया 20, एफ इंटरसेक्शन एस आ गया आपका 10, एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू 50 और 20 70 माइनस 10 60, आपका आंसर क्या आ गया 6, क्लियर हो गया, तो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, एन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस, ठीक है, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं पूरी एक्सरसाइज में, यही फॉर्मूला यूज हमने किया, ठीक है, तो इसे ध्यान से करना है बिल्कुल समझ के, ओके okay?